इन लोगों को आसमान में पानी कैसे पहुंचता है समय निकाल कर वीडियो जरूर देखना। हेलो मित्रों, फैक्ट नंबर वन, आसमान में ये पानी कैसे पहुंचता है। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ते हैं तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती है, जिससे वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर ये कण वापसी विकृत होकर भाप में बदल जाती है। ये भाप बहुत हल्की होती है, जिससे वजह से धीरे धीरे आसमान की ओर बहने लगती है। फैक्ट नंबर टू, हर 1000 फुट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप में ले लेती है। जब पानी छोटे से कारण के दूसरे के मिलने लगते हैं तब उन्होंने ये बादल कहते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, ये कणों बहुत ही हल्के होते हैं, जिसके ये हवा में आसानी से उड़ने लगती है। पानी के इन कणों को जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलाकर क्रिस्टल बनाना पड़ता है। ये बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी को ठोस चीज की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर फोर, क्रिस्टल का ये आधारकाश काम करता है बारिश करवाने के लिए। पृथ्वी से जंगलों में आग से निकलने वाले धुएं से छोटे से पार्टिकल, रेत के छोटे से कणों, सूक्ष्म जीव और साथ के अंतरिक्ष में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।